देशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा। अल्लाह सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मनी तबल हुदा, इमरान शेख कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम अला मनी तबल हुदा, कौन मुशीक बोल रहा है जी? इमरान शेख कह रहे हैं, नाम नियाज अगर मुकल्लिद अली हदीस साहब। अरे कौन मुशीक बोल रहा है ये बोलो। अरे हजरत, आप कौन कह रहे हैं नहीं कह रहे वो आप छोड़ दें। अरे कौन बोल रहा है ये बोल रहा हूँ मैं, कह नहीं रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कौन मुशरिक नहीं कह रहा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम है? अरे कुछ लगा है दोबारा। सादिक वारसी मुसलमान कह रहे हैं हुजूर की प्यारी उम्मती। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं, सादिक वारसी। सादिक वारसी, खैर मैंने भगोड़े में नहीं, भगोड़े तुमने ग्रुप लेट किया है और तुम ग्रुप से भाग गए। मैं वो शायर अभी नहीं, अभी बकवास छोड़ो। अभी मैंने तुम्हारी बहुत सारी ऑडियो देखी है, सुनी है, जो आपने अपने क्या नाम है ग्रुप में डाला है कि बहुत सारे बरेलवियों को मैंने कॉल किया और शब बरात की फजीलत के बारे में हदीस पूछी। तमाम के तमाम जाहिल है, ये है वो है, जो बुकराती की है। अरे जाहिल ही शादी हुए ना, ऑडियो सुना नहीं होगा। अरे जनाब छोड़ो ना यार, तुमने किसको कॉल किया नहीं किया उसको मैंने सुना तो नहीं, लेकिन फिर मैं तुम्हारी जहालत दिखाने के लिए तुमने जो लिखा उसको मैंने कहा। वहाँ भी होने के लिए जाहिल होना शर्त है। अब खैर मैं बर्बाद करने के लिए कॉल नहीं किया। मेरी बात सुनो, क्या फजीलत है? तो इस रात की कोई फजीलत नहीं है आपके नजदीक? अरे यार बताओ ना, साबित कर दोगे तो हो जाएगी, नहीं करोगे नहीं होगी। अच्छा अच्छा, यानी अगर साबित कर देंगे तो आप मान लेंगे? अरे बिल्कुल क्यों नहीं मानेंगे यार। और अगर क्या नाम है हम साबित नहीं कर पाए और फिर भी इस हदीस क्या नाम है इस रात की फजीलत के कायल रहेंगे तो हम पर कौन सा हुक्म लगाएंगे? आप जबरदस्ती मेरे बाप को अपना बाप बनाना चाह रहे हो कि अगर साबित नहीं भी करवाए तो भी मेरा बाप आपका ही बाप होगा, ये कौन सी बात है भाई? सुगन मेरे बाप को अपना बाप साबित करो, ये होता है तरीका, चलो साबित करो। ठीक है, तो हजरत अगर मान लीजिए कि हम आपके बाप को अपने बाप नहीं साबित कर पाएंगे और फिर भी कहेंगे तो मुझ पर एक हुक्म तो लगेगा ना हरामी का। हाँ बिल्कुल, आप हरामी कहलाओगे। तो वही मैं कह रहा हूँ इसी उसूल को कि अगर मैं इस शबे बरात की रात की फजीलत को साबित ना कर पाऊँ फिर भी इसके फजीलत के कायल रहूँ तो मुझ पर क्या हुक्म लगेगा? अरे तो कायल रहो मत रहो, मुझे क्या लेना देना है आपको? अरे जब आपको लेना देना, आपको जब लेना देना नहीं है तो फिर क्यों उठाए चले आ रहे हो बरेलियों के साथ? उसूली बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस रात के फजीलत का कायल हूँ तो मुझे पर क्या हुक्म लगेगा, पहले ये बता दो ना। मैं साबित तो करूँगा, अगर तू साबित नहीं कर पाया साबित कर चल। अच्छा, यानी कि इस रात का जो फजीलत के कायल होते हैं वो बिदाती होते हैं। तू साबित क्यों नहीं कर रहा? अरे हजरत मैं साबित तो कर देता हूँ, पहले मैं उसूली कलाम तो कर लूँ। अरे उसूली क्या कलाम कर रहा है, मैंने तुझे बोला इस रात की फजीलत साबित कर दे, मैं मानूंगा। और तूने अगर साबित नहीं कर पाया तो मैं नहीं मानूंगा। तो अच्छा एक बात बताए ना, नहीं ऐतराज आप कर रहे हो, सवाल आप कर रहे हो कि इस देखिए मुझसे ही आप है कि इस रात की फजीलत कुछ नहीं है। अरे सादिक बात सुन पहले, एकदम सुन रहे, चलिए सुन लिए। मैं तेरे पास कॉल किया हूँ कि तू इस रात को साबित कर फजीलत वाली है, तू मेरे पास फोन किया है इस बात को साबित करने के लिए। बरेलियों के पास कॉल कर करके ये बुकराती कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे पास भी कॉल करूंगा अगर साबित नहीं करोगे तो। ठीक है, साबित करो। तो आप किस वजह से कॉल किए? क्योंकि साबित नहीं है तो भाई मुद्दा ही साबित करना है तो करो, काट दूंगा मैं। वही बात है ना कि अब आप डर के मारे आपके ऊपर खौफ जारी हो गया। आदमी के लोगों को चाहता ज्यादा नहीं है सामने का पकाने के लिए करूंगा। आप ये बता दे कि जो इस रात की फजीलत का पायल है उस पर क्या हुक्म शरा है? अरे क्या हुक्म लगेगा, तू साबित तो करता है। जब मैं साबित कर दूंगा तो आप भाग जाओगे ना, इसलिए मैं पहले हुक्म शरा पूछ रहा हूँ। क्योंकि आप मौकी को, हाँ मैं बता रहा हूँ, मौकी को ना पहले बता दो। हाँ हाँ जाहिल सुन ले, मैं ये बोल रहा हूँ अगर किसी मुहद्दिस ने या मुहद्दिसुल असर बंदे ने इस हदीस को या किसी भी हदीस को इस ताल्लुक से सही माना है
तो वो उसकी इश्तिहादी खत्म माना जाएगा। और अच्छा। से जाहिर अगर इसको सही मानते हैं तो तुमको जहालत पर मबनी बोला जाएगा। अच्छा। तुम जहालत पर मबनी हो। अच्छा। समझे नहीं, ये उद्दीन। अच्छा ठीक है। अब क्योंकि हमारे नजदीक मासूम अनिल खता सिवाय अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी नहीं है, लिहाजा हम हमारा ये गुमान और ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर सबसे गलती हो सकती है। ठीक है। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है जिससे गलती का इम्कान नहीं है। अरे करने के लिए मैं तुझसे फोन नहीं किया, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं, सीधा सीधी बताओ उस पर क्या हुक्म लगेगा यार, यही पूछने के लिए कि इस वही फजीलत का जो कायल है उस पर क्या हुक्म लगेगा, उसकी इश्तियादी खत्म आ जाएगा, कोई बिदात का हुक्म नहीं लगेगा। अरे नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा, नहीं। चलो ठीक है, यानी कि जो इस रात इबादत करता है वो बिदाती करार नहीं पाएगा, लेकिन जो अबू जैद जमीर, जो अबू जैद जमीर साबित नहीं करेगा, जब अबू जैद जमीर और क्या नाम है कुछ शैतान और दिगर जो क्या नाम है तुम्हारे मुल्ला के इबादत करने वाला ना तू अहमद रजा। अरे जनाब पहले मेरी बात सुन लो, आपके जितने मौकिकों ने कहा है कि इस रात इबादत करने वाला बिदाती है तो अब वो तो सबके सब जाहिल साबित हो गए। मैं भी कह रहा हूँ तू भी बिदाती है, अगर इस रात में तू तहकीक होने के बाद भी अगर तू इबादत करे बिदाती है, पक्का बिदाती है। चलो खैर अब आपके कुत्ता बनेगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अब मैं इस रात को इबादत करने वाला जहन्नम का कुत्ता बनेगा, बिदाती करार पाएगा अगर तूने तोबा नहीं किया तो। किसी ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ बात सुनो, अभी मैं तुझे जलील कर रहा हूँ, दो मिनट पहले मैं साबित कर रहा हूँ, दो मिनट खामोशी से सुनो। मेरा उसूल है हदीस से इस हदीस को खामोशी के साथ सुनो मेरा वाला है। अब मुझे पहले ये बता तू इस हदीस को सही साबित करेगा या नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीस शरीफ बयान करेंगे उसको सही साबित करेंगे हवाले के साथ। दलाइल देना है मुझे जहाँ से मैं दलाइल खामोशी वो हदीस बयान कर पहले कौन सी हदीस आप एकदम खामोशी के साथ सुनना, बीच में जब तक मैं खामोश ना हो जाऊँ बोलना नहीं। हदीस बयान नहीं करेगा मैं क्या देखूंगा उसमें। अब मेरी बात सुनो, जैसे तुम्हारे कहने के मुताबिक है, तुम्हारा तुझ जैसे जाहिल के कहने के मुताबिक है इस रात की कोई फजीलत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, को इल्मी बात समझ नहीं आता मैं बोल रहा हूँ, तू हदीस पे बड़बड़ाते रहेगा, बड़बड़ाते रहेगा या मेरी बात भी सुनेगा। फिर हदीस को सही साबित करना तो जाहिल बोलने देगा तब ना, खामोशी से सुन तो पहले। खामोशी से पहले मेरी बात तो सुन ले, ठीक है बयान कर रहा हूँ यार, तुम चुप रहोगे तो बयान कर। अब पहले सुनो, मैं जो हवाला देने जा रहा हूँ चुप से सुन ले। हवाला नहीं पूछ रहा मैं तुम्हारे बाप गैर मुकल्लिद के मौकिकुल असर मौलाना अब्दुल कादिर अंसारी अपने में क्या लिखते हैं पहले सुन। अभी बता तू इस हदीस को सही साबित करेगा या नहीं। अभी मैं हवाला दे रहा हूँ, हवाला तुम्हारे बाप बतावा हस्तारिया में लिखते हैं कि शाबान की पंद्रहवीं रात की फजीलत के मुताबिक मुताबिक हदीस आई है। वो तुमको मुश्किल जाहिल पहले इस पर तुम्हें कुफर लगा दे, इसको तुम बिदाती करार दे दे। तुम्हारे बाप दादा कह रहे हैं कि अबे जाहिल इस पर इस्तेहानी लगा तो बिदाती को हुक्म लगा। अबे तो तेरे बाप में ताकत नहीं है कि इस हदीस को सही साबित करे। तुम्हारे बाप दादा इस रात की फजीलत जाहिल ने कहते हैं कि साले के ऊपर ने इस्तेहानी बताया नहीं दिखाया। अबे खबीर सुन, तेरा पता है तारीख में तेरा मुल्ला कह रहा है कि इस रात पर मुताबिद आदमी क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख में तुम्हारा बाप जो है क्या नाम है मुतीकुल असर मौलाना अब्दुल कादिर कहता है कि और इस रात की पंद्रहवीं शाबान की फजीलत कायम है। अगर तू कोलो से सुन ला जाहिल आदमी, अगर तू कोलो से अपना अकीदा आकर्ष करता है तो फिर ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज मुताहरात के बाद में कब्रों में जो है माज अल्लाह सतुल्ला शब्बाजी करते हैं। हाँ बात को हाँ मानते हैं, तेरे बाप ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, तो तेरे माँ के पास भी कोई खत्म जाता होगा कब्र में भी। शब्बाशी का माना क्या होता है तुझे? सुअर की औलाद शब्बाशी का माना क्या होता है ये बता। झूठ बोलते हैं अबे सुअर की औलाद, पहले ये बता शब्बाशी का माना इमाम के बच्चे सुअर के बच्चे की जवाब कर देते हैं। इसका जवाब तो देते थे, ऐतराज क्या लिखा है तेरे बाप ने, क्या क्या लिखा है अब क्या लिखा है एकदम खामोशी से सुनना। चल हदीस पढ़ के सुना। हजरत में मलकुजाते आला हजरत में, अरे मेरी बात सुन, आला हजरत में मलकुजाते आला हजरत में लिखा है कि इमाम ज़रकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं शरा ज़रकानी को ज़रकानी ने दिया। इमाम ज़रकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम ज़रकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह हिजरी के मुहद्दिस है।
सबके मेरा बाप था इमाम जरकानी, उसने ये जाहिल इमाम के हुजूर की कब्र में पेश की जाती है। जाहिल मुतलक पहले पूरी बात सुनते शब्बाशी का लफ्ज़ तेरी अम्मा ने इसका माना शब्बाशी का माना बिस्तरी किया है। तेरी जो बता शब्बाशी का माना हमदस्तरी होता है। तेरे बाप काला हजरत ने कहा है कि अल्लाह के रसूल को उनकी कब्र में उनकी अजवाज सबसे पहले मुझे ये बता कि ये तुमने मसला कहाँ से पहले ये बता शब्बाशी का माना क्या होता है। काले तेरा दम निकल गया कोई हदीस को सही मैं तुझे हवाला दे भाग गया। अब पहले शब्बाशी की तरफ बात कर या फिर इस तरफ बात कर। अगर एक बात की औलाद है तेरे 70 बात नहीं है तो हदीस तो पूरा खानदान यार नहीं है जो तू हदीस बयान कर दे। हमें मेरी बात सुन इस रात की फजीलत साबित है। इस रात इबादत करना दूसरे दिन का रोजा रखना शरीयत का साबित है। काफिर बोलता है अबे सुअर के औलाद अपने बाप की जमीन पर पहले मान ले अपने बाप पर कोई फूल को लगा दे साले। हम अगर इबादत रखे इस रात की फजीलत के कायल रहे तो तू सुअर की औलाद हम पर मुशरिक और बिदअत का दावा कर रहा है। और तेरा बोल कर इस रात की फजीलत का कायल हो साले अपने बाप की अपने बाप को अपनी अम्मा यार बना के खामोश हो गया। मां को तेरी मां अबे सारे उमर की औलाद पहले अपने हराम की तालियां पर अपने बाप पर अब ये बता मुझे हदीस पढ़ के सुना तेरे बाप ने जो ये कहा है अब दूसरा वाला बाकी रही बल्कि मौजूद अज्र व सवाब में अपनी फतवा में क्या लिख रहा है एक इत्यादि मसला एक इत्यादि कौन लेगा खत्म हो गए जूते साले तू भी माने तेरे और इस बात को भी मान के तेरी दादी भी जो हदीसे रसूल हदीसे उसूल तेरे बाप की हदीसे रसूल की जारी है तो ये अब जो तू कहता है हदीस के बाद की है हदीस की क्या नाम है हां कहता है करने के बाद कोई बात करते हैं बल्कि अभी अपनी बात क्यों बड़ी से मार रहे हो। एक तेरा जनाजा निकल गया ना तेरी अब सुन अभी सुन तीसरा निकाले तेरा बाप अहले हदीस अहले मौलाना अब्दुल रहमान मुबारक पूरी फरमाता है हमारे तो ये हदीस की बात आ रही है तेरा कहता है तो ये हदीस मजमूई तहजीब है उन लोगों के खिलाफ तेरा बाप क्या कह रहा है किसके खिलाफ जैसे जाहिल सड़क सुअर के खिलाफ शाबान की फजीलत में साबित नहीं है पूरी साफ यहाँ लिख दिया कि वो ये मजमूई तौर पर के खिलाफ दावा करते हैं तुम दावा करते हैं ना देख तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा बाप ने खुद लिख दिया है कि उन्नीस के खिलाफ करते हैं कोई बात 15वीं शाबान की फजीलत में साबित नहीं बन रहा हूँ ताला आलम अब सुअर के लिए अपने बाप को जो मैंने हमारे नहीं मानते अपने बाप को हराली बिदाती था तुझे और तेरे दादा जहन्नम भी था सुअर के वाला अपने घर की किताब पढ़ता नहीं हम पर सुअर के पता है तू उसको भी घर से चौथे दलील चुन तुम्हारा बाप गैर मुकल्लिद आई अल्लाह मुबारक पूरी कौन तेरा बाप गैर मुकल्लिद तुम्हारी अम्मा का यार बैदुल्लाह मुबारक पूरी और सारे दादा
डालेंगे जबान की दरियाने के बाद लिखता है।